वो पीछे जो बैठी है या दैट कर्ली है रिंकू, वो तो हमें ही देख रही है। आजकल हम थोड़े हैंडसम लग रहे हैं ना। देखा, वो ही है। हम ऐसा करते हैं, हम उनके पास जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हम ये ले लें। ठीक है। हाय। हाय। तो सीडी पसंद आई? तो आप हैं वो जो हमें गिफ्ट्स भेज रही थी। मैं ही हूँ। And you know what? आज मैं यहाँ इसलिए आई, so that मैं तुमसे पूछ सकूँ। क्या हम उस सीडी को एक साथ सुन सकते हैं? अलोन? क्या? हम दोनों एक साथ? Why not? We can listen to it together. हाँ, हम रिंकू को बोल देते हैं। Well, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, रिंकू को नहीं। हमें मालूम है, पर वो सीडी हमने रिंकू को दे दी थी। उन्हें भी म्यूजिक का बहुत शौक है ना, पर हम अभी ले आते हैं, फिर साथ में सुनते हैं। रिंकू, बोलो। वो सीडी देना। वो सीडी तो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब आपके पास नहीं है? वो सुनना चाहती है हमारे साथ। बुरा लगेगा उन्हें अगर पता चला कि हमने एक बारी भी नहीं सुनी है। डोंट वरी बाबा, मुझे पता है वो सीडी का, मैं लेके आती हूँ। सो स्वीट। रिंकू सीडी लेके आती है। टिल देन वी विल सिट एंड चैट। या श्योर। बेब्स, डोंट यू थिंक दिस म्यूजिक इज लाइक रियली गुड? आई वंडर किसने ये म्यूजिक उस कैमल को दिया है। पर हाँ, जिसने भी ये उसको सिलेक्ट करके दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है ना? या आउच वृंदा, मेरे बाल। डोंट फील सो मच, दर्द होता है ना। आई एम सॉरी बेब्स, बट योर हेयर इज ऑल मेस स्वीटी, सब कुछ ही एंटैंगल्ड है। बेब्स, जस्ट डोंट हरी अप, आराम से करो, हम प्री को प्रिंसेस बना कर भेजेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, मुझे घर जाना है। गर्ल्स, मैं कुछ कहूँ क्या? तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं असीम के साथ ऐसे रोमांटिक गाने सुनूंगी? आउच प्री, व्हाट आर यू डूइंग? स्टे स्टिल, मैं तुम्हारी आईज आउटलाइन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा मत करना, मुझे जोकर बनने का कोई शौक नहीं। डोंट यू ट्रस्ट या? You do, right? Don't worry, you look gorgeous. Okay, done. Now wet your lips. मैं इस पर ये gloss लगाती हूँ। You know what? Tia, ये gloss New York से लाई थी। Fashion models wear it there. Wow. Yes, ये आसानी से smudge भी नहीं होता। Tia, मैं वहाँ खाऊंगी तो नहीं, लेकिन अगर पीऊंगी तो स्मश तो नहीं होगी ना? डोंट वरी, बिल्कुल नहीं होगा। इवन व्हेन असीम किसेस यू। टिया, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ज्यादा एंजॉय करेगा। वरी भी नहीं एंजॉय करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तुम क्या कहती हो वृंदा? वृंदा, क्या हुआ? Why these tears and all? What happened? कुछ नहीं babes, बस ये romantic music, अमन की याद आ गई। मैं तो तुम दोनों को बताना ही भूल गई, अमन ने मुझे pendant दिया, उसने अपना pendant मुझे दिया और मैंने उसे अपना pendant दिया। It seems like तुम दोनों ने engagement rings के बजाय pendants exchange कर लिए हैं। It's so cheesy, but Tia still loves it. Come in. Yes? Disturb करने के लिए sorry, पर मुझे वो CD चाहिए। रिंकू, टिया वो CD अभी सुन रही है, जब सुन लेगी तो दे देगी। टिया, वो बात ऐसी है कि रणवीर को वो CD अभी चाहिए। वो कैमल अपने आप को समझता क्या है? जब तुम उसे वो CD दे रही थी तब उसने लेने से मना कर दिया। Please, Tia, वो सीडी मुझे अभी लेकर जानी है। Dear Rinku,
डोंट मेक अ हिल आउट ऑफ अ मोल। टिया ने कहा ना, जब वो सीडी सुन लेगी तो दे देगी। और व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम रणवीर से कह दो कि यू डिडंट फाइंड मी। पर वो अभी उस लड़की के साथ में है जिसने उसे वो सीडी दी थी, और वो दोनों अभी साथ में मिलकर उसे सुनना चाहते हैं, समझो ना टिया। ओ, वो लड़की, तो क्या टिया जान सकती है कि वो लड़की है कौन? मुझे नहीं पता, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती। ठीक है, तो फिर तुम ये बताओ कि वो दिखती कैसी है। आई मीन, क्या वो ऑर्डिनरी है, या वो सेक्सी है, क्या उसमें एटीट्यूड है? या शी इज प्रिटी। पर लीज रिको, प्रिटी लड़कियां तो बहुत सारी है। यू बी मोर स्पेसिफिक। आई मीन, उसका आई कलर कैसा है? ग्रे, ब्राउन, ब्लू, व्हाट? वो परफ्यूम कौन सा यूज करती है? गुची, सीके, क्रिस्टीन डियो, व्हिच वन? उसके क्लोथ्स, आई मीन क्लोथ्स कैसे हैं? डिजाइनर कौन है? डू गेट व्हाट आई मीन? मुझे नहीं पता टिया, मेरे पास वो सब पता करने का टाइम नहीं था। उसके लिए तो तुम्हें टिया की नजर चाहिए, जो एक ही बार में सब कुछ पहचान लेती है। पर टिया, तुम उस लड़की में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? वो फीमेल क्यूरियोसिटी, यू सी। तुम्हें क्या लगा कि टिया उस गवार में इंटरेस्टेड होगी? रिंकू, चलो गो। पर टिया, वो सीडी? टिया ने कहा ना कि जब टिया सुन लेगी तो उसे खुद दे देगी। नाउ गेट गोइंग, गो, कम ऑन। पर टिया, गो। आई सी डेड पीपल। मामा, अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। पहले आप मुझे ये बताओ, आपने टिया को क्या दिया? मैंने तो टिया को कुछ भी नहीं दिया। ओह, इफ दैट्स करेक्ट, आप तो एनवेलप उसके रूम में क्या कर रहे? मामा जल्दी बताओ, नहीं तो आई विल नेवर टॉक टू यू, आई स्वेयर इट। ओके ओके, बताती हूँ। वो क्या है ना, वो पल्लवी है ना, उसका अफेयर आहूजा के साथ चल रहा है। टिया को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बस मैंने वो दे दी। So, आपको इससे क्या अगर आहूजा का अफेयर किसी के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है? स्वीटहार्ट, ये सब मैं उसके लिए थोड़ी कर रही हूँ, ये सब तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। वो चीट लॉयर पल्लवी, वो पहले मेरी लॉयर थी और अब दुश्मन पार्टी की लॉयर है। आई मीन, यही तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कैसे खो देती मैं? ओके, व्हाटएवर, आई जस्ट डोंट वांट यू टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद दिस आहूजा क्लैन। आई मीन, टिया काफी है मेरी लाइफ स्पॉइल करने के लिए। व्हाई आर यू जेलस? डा, मैं क्यों जेलस होने वाली? मुझे बस, आई डोंट लाइक यू हैविंग एनी कनेक्शन विद देम। मामा, आपको याद है उन्होंने क्या क्या बोला था हमारे बारे में? अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, रिलैक्स, नहीं तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। अच्छा चलो घर चलते हैं। नहीं, अगर आपने मेरा वॉइसमेल सुना होता तो आपको पता होता कि मैं आज बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक्चुअली एक फ्रेंड का बैंड परफॉर्म कर रहा है, सो। ओह, कौन सा फ्रेंड? वो एक यूवी का दोस्त है, यू डोंट नो हिम। वेल, दैट डजंट मीन एनीथिंग स्वीटहार्ट। कम ऑन मॉम, आई मिस माय बॉयफ्रेंड अ लॉट। इस लड़के और मेरे बीच में कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नो, मैं रोड पे किसी से भी लिफ्ट ले लूंगी, पर आपके साथ नहीं जाऊंगी। फाइन, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूं और मैं अपने राइट्स यूज कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर जाना चाहिए। नो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? हाँ, पर इट्स डेंजरस आउटसाइड। मामा, वहां वृंदा और मरिया भी होंगे, बाहर मिले टैक्सी वेट कर रही है। ओह, ओके, अगर वो दोनों भी साथ है तब ठीक है, बट यू टेक केयर। या मॉम। गुड। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? साथ बाहर चलते? हाँ, क्यों नहीं, साथ ही बाहर चलते हैं, मैं यहाँ क्या करूंगी, कम ऑन लेट्स गो। चलो। वाओ,
आपका और हमारा म्यूजिक सेंस भी कितना मिलता है, सेम टेस्ट। रिंकू, तुम्हारी फ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही टाइम दे रही है। पता नहीं, शायद वो ऑन द वे होगी। एनीवेज, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाई हूँ ताकि सीधी आने तक आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर सको। थैंक्स रिंकू। यू नो व्हाट, मेरे रूम में कुछ अच्छे म्यूजिक सीडीज रखे हैं, वो लेकर आते? Why not? अगर आपके पास अच्छे म्यूजिक सीडीज हैं तो हम लेके आ सकते हैं। And I'll get my discman too, so that हम एक साथ म्यूजिक सुन सके। As you wish. चलिए। Okay, it's done. अब let it dry, okay? और तब तक टिया ये सीडी रिटर्न करके आती है। अब टिया, मैं जाऊँ? तुम्हारी रनवे से वैसे भी नहीं बनती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों फिर से लड़ने लगो। No. तुम यहाँ बैठो और अपने नेल्स ट्राई करो, ओके? एंड हाँ, डोंट मूव अराउंड टू मच, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। और वैसे भी टिया को देखना है कि आखिर वो लड़की है कौन। तुम्हें क्या लगता है, कोई सीनियर है? हमारी क्लास की तो है नहीं। नो, फिर टिया को नहीं लगता कि कोई भी 12th क्लास की लड़की उस कैमल को क्रॉस डालेगी। ओके, आई रिटर्न दिस। हाय। हाय। ये कोइंसिडेंस है या फिर आप मेरा इंतजार कर रहे थे? आई वाज वेटिंग। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। चलते चलते बात करें जी। कुछ अर्जेंट है या? या मुझे लतिका के बारे में आपसे बात करनी थी। ओह। यू नो, स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम है कंसर्निंग ड्रग्स। सर ने तो आपको बताया होगा ना? यू नो, लतिका और साहिल बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई नो दैट। एक्चुअली साहिल इस इशू में इन्वॉल्व है। व्हाट? लेकिन आशीष ने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही लतिका ने। मुझे भी यही लगा था। टिया 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 टिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। टिया थोड़ी जल्दी में। ओके, 10 seconds. मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि तुमने उस नंबर पे फोन किया? टिया उस नंबर पे फोन क्यों करेगी? Well, उस लॉयर को परेशान करने के लिए। I'm sorry, टिया ये सब नहीं करती है। Anyways, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पे गए इसी वीकेंड। And you believe him, Chiclet? तुम कितनी भोली हो, कितनी नादान हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था दिस इज अ टिपिकल मेल एक्सक्यूज जब वो कुछ गड़बड़ करते हैं। यू आर रॉन्ग। शायद आप जानते नहीं हैं कि टिया के पापा इज अ कंप्लीट वर्कहॉलिक। आजकल वो अल्कोहलिक हो गए हैं? नो, वर्कहॉलिक। पापा पूरा टाइम बिजनेस में इंट्रेस रहते हैं। ही इज ऑब्सेस्ड विद वर्क। वो एक दिन में 36 आवर्स भी काम कर सकते हैं। एनीवे, मैं उस लाउजी लॉयर को फोन करके देखती हूँ। अगर वो गड़बड़ हुई then we don't have to worry. ठीक है, उसका नंबर है आपके पास? सेल में। लाइन बिजी है। एंगेज्ड है। इसका मतलब शी इज एट होम। एक मिनट, मैं डबल चेक करती हूँ। दाजी बा एका दाजी बा। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक विद पल्लवी प्लीज? मैम साहब नहीं है घर पर, वो बाहर गई है, सोमवार को आने वाली है। क्या आप बता सकती है कि वो कहाँ गई है? मेरे को नहीं मालूम ना। देखिए, बहुत अर्जेंट है, एक केस डिस्कस करना है। आप वहाँ का फोन नंबर बता सकती है क्या? मैं खुद फोन करूँगी प्लीज। आप इतना बोलती है तो मैं देखती है बरका, एक मिनट। हाँ मैम साहब तो उधर इस्पा में है, केरला। उधर का नंबर, फोन नंबर है? हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बोलिए। 2 3 4 6 3 7 3। ओके, थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस है, पल्लवी भी वीकेंड पर बाहर गई है। वाह,
प्लीज देयर इज नो रिलेशन. टिया के पापा ऐसे नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पर ही गए, नथिंग एल्स. ओके, सो जस्ट टू बी श्योर स्टेप टू पर चलते हैं. इस नंबर पर फोन करके पूछते हैं कि क्या मिस्टर तनेजा वहां है. आहूजा, या व्हाटएवर. तो आपको लगता है कि पापा पल्लवी के साथ गए हैं? अब ये पता करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है स्वीटहार्ट, कॉल. हेलो, कैन आई स्पीक विद मिस्टर आहूजा प्लीज? सॉरी, मिस्टर आहूजा यहाँ नहीं है, स्पा में है. तो क्या आप उनसे मेरी बात नहीं करवा सकते? तो आप मिसेस आहूजा से बात करवा दीजिए ना. वो भी मिस्टर आहूजा के साथ है. पापा एट अ स्पा विद दैट वुमन. रिलैक्स डार्लिंग, कम डाउन. मुझे यकीन है तुम्हारे डैड, पुअर मैन, वो अपनी एज के लिए बहुत टिपिकल है. आई एम श्योर ही मस्ट बी फीलिंग लोनली एंड ऑल दैट. लोनली? डियर पापा, टिया के होते हुए. रिलैक्स डार्लिंग, कम डाउन, सब ठीक हो जाएगा. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आशी के साथ होना चाहिए था ना? या नो? यस और नो? यस यस. और आशी कहाँ है? नो आइडिया. लेकिन उसने कहा था कि वो तुम्हारे साथ कोई बैंड को सुनने जाने वाली है. हाँ, वो तो वही है. वही है? और वो वहाँ कहाँ है? मुझे रास्ता नहीं पता. एक्चुअली मुझे तो वृंदा, आशी, भवानी, एमपी, एम, आपकी बेटी टिया, टिया के पापा, ऑल आर गोइंग मैड, इट्स क्रेजी. इट्स ओके टिया, डोंट वरी, मैं हूं ना. डोंट क्राई. What? Where did you find her, man? I don't know. Sweetie, please get some water for me now. Okay. Meher, क्या तुम्हें साहिल का दोस्त सच में slow लगता है? Yeah, very tacky. Don't worry, मैं साहिल से बात करूँगी. Next time वो अपने साथ किसी interesting लड़के को लाएगा. Okay. Do you know what? I like this. हम चारों going out together. It's nice. I need juice. You want something? Orange juice? Okay. Yeah. Cool. Thanks. Hey Meher, I've been waiting for your answer. तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया. साहिल, please just stop fooling around. तुम अभी भी लतिका के boyfriend हो. So what, Meher? सिर्फ इसलिए कि मैं लतिका को date कर रहा हूँ, doesn't mean मैं तुम्हें like नहीं कर सकता. Like and me? Why not? साहिल, तुम मुझे टिया से भी ज्यादा पसंद करते हो. कोर्स भी. मॉम मॉम मॉम, लगता है बूढ़ी उम्र में और भी रिग्रेस होती जा रही है. हे आशी, आई जस्ट स्पोक टू द गाइस हियर, दे रियली लाइक्ड यू, आई मीन योर वॉइस एंड डांसर. थैंक्स अ लॉट, इवन आई एंजॉयड द म्यूजिक, आई थॉट इट वाज रियली कूल. तुम बिजी हो क्या? डिपेंड्स. साथ में कॉफी पी सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड दैट. ऑफ कोर्स आई डोंट. यूवी गुस्सा तो नहीं होगा ना? यूवी का इससे क्या? लुक, उस दिन उसने मुझे फोन किया था, याद है? व्हेन आई केम टू गिव यू द सीडी एंड ही टोल्ड मी यू आर सीइंग ईच अदर. क्या ये सच है? यू टेल मी. वन सेकंड. रीमेक 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 रीमेक.